मोदी ने ई श्रम कार्ड रखने वालों को दी बड़ी खुशखबरी, हर कोई खुशी से झूम उठा। सरकार ने देश भर में ई श्रम कार्ड धारकों के खाते में भेज दिया 1,000 रूपए। अगर आपके पास भी है ई श्रम कार्ड तो फटाफट ऐसे चेक करें अपना नाम। अगर अभी तक आपका ई श्रम कार्ड नहीं बना है तो आप भी ऐसे कर सकते हैं आवेदन। इस किस्त को चेक करने की क्या कुछ है प्रक्रिया, जानिए इस खास रिपोर्ट में। जी, मोदी सरकार ने देश के करोड़ों लोगों को बड़ी खुशखबरी दी है। देश के करीब 29 करोड़ से ज्यादा लोगों को सरकार ने खुशियों की बड़ी सौगात दी है। सरकार ने आप सभी का इंतजार अब खत्म कर दिया है। सरकार ने आप सभी के खाते में 1,000 रूपए भेज दिया है। सरकार ने देश में ई श्रम कार्ड रखने वाले सभी कार्ड धारकों को ये बड़ा तोहफा दिया है। आगे हम आपको सरकार द्वारा इस ई श्रम कार्ड धारकों को भेजी गई 1,000 रूपए की किस्त के बारे में बताएंगे और कैसे आप इस किस्त को चेक कर सकते हैं ये भी बताएंगे। लेकिन अगर आप नए हैं और सरकार के इस ई श्रम कार्ड के बारे में नहीं जानते हैं तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2021 के अगस्त महीने में मोदी सरकार ने देश के करोड़ों गरीब मजदूरों के सुख सुविधाओं और कई तरह के लाभ लेने के लिए ई श्रम योजना लॉन्च की थी। इस योजना के लॉन्च होने से लेकर अब तक देश भर में तकरीबन 28 से 29 करोड़ से ज्यादा गरीब मजदूर और मध्यम वर्गीय लोगों के पास इस ई श्रम कार्ड की सुविधा मौजूद है। इस ई श्रम कार्ड के सुविधाओं की बात की जाए तो पोर्टल से जुड़ने वाले श्रमिकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 2,00,000 रूपए तक का बीमा मिलता है, जिसमें बीमा के लिए आपको प्रीमियम देने की जरूरत नहीं पड़ती है। वहीं अगर किसी श्रमिक यानी मजदूर की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या कोई पूर्ण रूप से दिव्यांग हो जाता है तो 2,00,000 रूपए की बीमा राशि मिलती है। साथ ही आंशिक रूप से दिव्यांग होने पर 1,00,000 रूपए का बीमा मिलता है। ई श्रम कार्ड योजना का लाभ देश के सभी मजदूर, जैसे फेरी वाले, सब्जी बेचने वाले, घरेलू कामगार के साथ छोटे मोटे कामकाजी युवा उठा सकते हैं। वहीं अगर कोई टैक्स के दायरे में आता है, टैक्स पे करता है या फिर कारोबारी है तो उसे इसका लाभ नहीं मिलेगा। अब चलिए आपको आगे बताते हैं कि अगर आपके पास में इस योजना की किस्त नहीं आई है तो कैसे चेक कर सकते हैं। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से ई श्रम कार्ड धारकों के लिए नई लिस्ट जारी की गई है, जिसमें लाभार्थियों के नाम जारी किए गए हैं। इनमें वो लोग शामिल हैं जिनको सरकार की तरफ से 1,000 रूपए की किस्त ट्रांसफर की गई है। वहीं अगर आपके पास में श्रम कार्ड है और अभी तक आपके पास इसका पैसा नहीं आया है या आपको नहीं पता चल सका है तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। आपको लिस्ट में अपना नाम चेक करने के लिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट www.upssb.in पर जाना होगा। यहाँ पर आपको श्रमिक कार्ड पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जिसे आपको सबमिट करना होगा। उसके बाद आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी जिसमें आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। वहीं अगर आप अभी तक आपने इस ई श्रम कार्ड को अप्लाई नहीं किया है तो आप इस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, लेकिन सरकार ने इसके लिए कुछ शर्तें रखी हैं। पहला, ई श्रम कार्ड के लिए अप्लाई करने वाले नागरिक की आयु 16 से 59 साल के बीच होनी चाहिए। वो व्यक्ति असंगठित क्षेत्र की श्रेणी के तहत आना चाहिए। इसके अलावा किसी अन्य सरकारी योजना से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही EPFO या फिर NPS का सदस्य भी नहीं होना चाहिए। तीसरा, इस योजना में रजिस्ट्रेशन कराने वाले लाभार्थियों को 2,00,000 रूपए आकस्मिक मृत्यु पर मिलते हैं। इसके अलावा आंशिक विकलांगता पर 1,00,000 और दुर्घटना कवरेज की सुविधा भी मिलती है। चौथा, इस योजना में अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट eshram.gov.in पर विजिट करना होगा। तो इस तरीके से आप इस किस्त को चेक कर सकते हैं। खबर कैसी लगी हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर भी करें। कमेंट भी करना ना भूलें। पेज पर नए हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें।